समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी और योगी सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसमें वो 22 के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोलेंगे। शायद आपको अंकों का ये गणित समझ में नहीं आया होगा, हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, किरण मेनंदा व विधान परिषद में नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अहमद हसन सहित कई दिग्गज मौजूद थे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही पार्टी के अन्य प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। 2022 चुनाव में भाजपा को घेरने के मकसद से सपा ने 22 का गणित भी तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत अप्रैल महीने से हर 22 तारीख को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन होगा। 22 तारीख तय करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें प्रदेश और देश के 22 मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 23 मार्च को तहसील स्तर पर डॉक्टर लोहिया की जयंती पर साइकिल यात्रा से जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद अप्रैल महीने से हर 22 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। बैठक में अखिलेश यादव ने समाजवादी बुलेटिन को भी नए स्वरूप में लॉन्च किया। इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव पास कर पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में देश और यूपी की कानून व्यवस्था, सीएए व आर्थिक नीतियों पर खास तौर पर चर्चा हुई। इसके साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर पार्टी को और मुखर बनाने के लिए धरना प्रदर्शनों तथा आंदोलनों की रूपरेखा भी बनी। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब 2 साल ही बचे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को एक्टिव मोड में ले आई है।